न्यूज नेशन की खबर का बड़ा असर हुआ है जी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पंजाब सरकार ने वैक्सीन बेचने का अपना फैसला वापस लिया है। न्यूज नेशन ने सबसे पहले इस खबर को दिखाया था, आपको सवाल खड़े किए थे कि कैसे कोई राज्य सरकार जरूरतमंद लोगों को कम कीमत पर वैक्सीन मुहैया कराने की बजाय प्राइवेट हॉस्पिटल्स को मुनाफा कमाते हुए वैक्सीन बेच सकती है। न्यूज नेशन के इन्हीं सवालों का असर दिखा है। अब राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि निजी अस्पतालों को वैक्सीन बेचने का जो फैसला लिया गया था उसको वापस लिया जाएगा। अस्पतालों को बची हुई वैक्सीन वापस करनी होगी, ये पंजाब सरकार को अब फैसला लेना पड़ा है। इस वक्त की बड़ी खबर सुनाते हैं आपको, क्या कुछ कह रही है पंजाब सरकार। जो वैक्सीन फ्री लगाई जाएगी तो फ्री लगाने का हमारा जो फैसला वो अटल है, तो इसलिए जो कोई फैसला हुआ कल आज उसको हमने वापस ले लिया और बकायदा जितनी वैक्सीन के स्टॉक में है वो सारी हम वापस लेंगे, प्लस जो उन्होंने यूटिलाइज की है उसकी भी हम वापस लेंगे और जो उनका पैसा हमारे पास डिपॉजिट है उसको फंड करेंगे। तो आपने सुना पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री को जो कह रहे हैं कि अब जो बची हुई वैक्सीन है अस्पतालों के पास प्राइवेट हॉस्पिटल्स के पास उनको हम वापस लेंगे। दरअसल में पंजाब में विपक्ष ने अकाली दल ने इस मुद्दे को उठाया था इस आरोप के साथ कि 400 रुपए में पंजाब की सरकार वैक्सीन खरीदती है और 1060 रुपए में बेचती है निजी हॉस्पिटल्स को, और उसी वैक्सीन को 1500 से 1600 रुपए में लोगों तक पहुंचा रहे हैं प्राइवेट अस्पताल। सीधा रुख करते हमारे सहयोगी विशाल ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, खबर का बड़ा असर हुआ है, क्या कुछ और कहा पंजाब सरकार ने? मंत्री खुद मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा है कि जो 42,000 डोजेज जो है वो प्राइवेट अस्पतालों को दी गई है, जिसमें से जो करीब 600 डोजेज जो है उसका इस्तेमाल कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं वो वैक्सीन जो है वो वापस ली जाएगी प्राइवेट अस्पतालों से। और साथ में उन्होंने कहा है कि जो ज्यादा रेट यानी कि जिस तरह से 400 रुपए में जो खरीदी गई थी और 1200 या 1500 में जो अस्पतालों ने लगाई थी, तो वो पैसा जो है वो आम आदमी को जो है प्राइवेट अस्पताल लुटाएंगे और उसके बाद जो है सरकार इनको आगे करेगी। तो कहीं ना कहीं खबर का असर हुआ है और जो पंजाब सरकार है वो बैकफुट पर है और जिस तरह से कालाबाजारी के आरोप जो है पंजाब सरकार पर लग रहे हैं तो एक बड़ा सवाल जो है वो सरकार की। विशाल, ये जो ऐलान किया है ये पंजाब के उन्हीं स्वास्थ्य मंत्री ने किया है जो अब से पहले कह रहे थे कि वैक्सीनेशन किसको दी जाए किसको ना दी जाए, किसको बेची गई है किसको नहीं बेची गई है, मैं नहीं जानता इस बारे में। अब पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री को सब कुछ पता चल गया है। जी बिल्कुल, जिस तरह से जब हमने सुबह इनसे बात की थी तो उनका साफ तौर पर कहना है कि मेरा ये काम नहीं है कि किस तरह से वैक्सीन को डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि ये चीफ सेक्रेटरी का काम है और उन्होंने नोडल अधिकारी जो है इसमें नियुक्त किए हैं। लेकिन अब जिस तरह से शाम को आते आते उन्हें क्लेरिफिकेशन देनी पड़ी है, क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री ने खुद इसमें इंटरव्यू किया है कि आप किस तरह से जो है ये 42,000 डोजेज जो है वो दी गई है और इनको वापस लिया जाए। साथ में जो पंजाब सरकार है उसके बकायदा एक सर्कुलेशन भी जारी किया गया था कि आप जाइए और वहां पर जो है चाहे बड़े बड़े अस्पताल हैं उनके नाम मेंशन किए थे और उसमें जाकर आप वैक्सीन लगा सकते हैं, और चीफ सेक्रेटरी ने इसमें जो है बकायदा ट्वीट भी किया था। तो कहीं ना कहीं सरकार जो है वो घिरती हुई नजर आई और कालाबाजारी के आरोप उन पे लगे कि आप 400 रुपए में खरीद रहे हैं और आगे जो है 1060 रुपए में बेच रहे हैं, आप खुद मुनाफा कमा रहे हैं और अस्पताल। 42,000 ऐसी वैक्सीन है जो बेची गई पंजाब सरकार के द्वारा प्राइवेट हॉस्पिटल्स को मुनाफा कमाते हुए हर वैक्सीन पर 660 रुपए का। लेकिन न्यूज नेशन की खबर का अब असर दिखा है, अब वही 42,000 वैक्सीन लगेंगी पंजाब के आम आदमियों को कम कीमत पर। उम्मीद करते हैं कि मुफ्त में वो वैक्सीन लगवाई जाए पंजाब सरकार के द्वारा। बहुत बहुत शुक्रिया।